तो सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूं कि जो मेरी वीडियो थी जो मैंने कल डाली थी उसे मैं अब प्राइवेट कर देता हूं। प्राइवेट, ये देखो ये वीडियो अगर आपको दिख रही हो, ये देखो ठीक है, ये प्राइवेट कर चुका हूं और ये वाली वीडियो अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने जो वीडियो बनाई थी कल आपने देखी होगी, और कल मैं शादी में था क्योंकि एक्चुअल में वो वीडियो मैंने एक दिन पहले बना के शूट करके रेडी रखी थी, तो कल मैंने वो पब्लिश कर दी। तो कल मैं शादी में था, रात के 11 बजे 12 बजे एक बजे तक कॉल आई, भाई ऐसे 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 ऐसे, बहुत भाइयों के जो मन में विचार थे, बहुत सारे सवाल थे, उन्होंने अपने विचार भी मेरे को जाहिर किए और मैसेज भी किए, कमेंट किए, बहुत सारा अच्छा खासा उस वीडियो पर मेरे को रिस्पॉन्स मिला। और मतलब बहुत भाइयों ने अपने दिल की बात मेरे से की, भड़ास भी निकाली, जो भी था वो सब किया। मतलब उस वीडियो को बहुत, मतलब जो वीडियो मैं बनाई थी मैंने, जिसको जहाँ पहुँचनी थी, जितने भी इंस्टीट्यूट वाले थे सबके पास गई, दिल्ली, बम्बई, हैदरा और कोलकाता, ये 4 सिटी ऐसी हैं बहुत बड़ी हैं और मोस्टली इनमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बैठे हैं खोल के। और अब क्या कहूँ मैं, ठीक है। तो अब मेरा ये कहना है कि भाई अगर आप उस वीडियो को अब देखोगे या कल देखोगे, कभी भी देखोगे, तो वो अब वीडियो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने वो प्राइवेट कर दी है। एक्चुअल में मेरा मकसद ये था कि मैं अपनी बात कहना चाहता था और वो मैंने कह दी, सबको पता चला, अपने भी भाई इंस्टीट्यूट वाले हैं, सब ने वो वीडियो देख ली है और सबको इस बात का पता चल चुका है कि हाँ हम में कुछ गलतियाँ हैं और हम में कुछ सुधार करने के लिए ज़रूरी है और ये कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो देखना, बहुत जल्दी देखना कि आपको उन इंस्टीट्यूटों में बदलाव देखने के लिए मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। मतलब हो सकता है कि अभी लॉकडाउन हो, बहुत जगह मार्केटें बंद हैं, सब हालात हैं नॉर्मल नहीं है, सब बहुत कठिन हुए पड़े हैं इस टाइम। तो मतलब जब भी इंस्टीट्यूट ओपन होंगे या कुछ भी रहेगा तो आपको हालातों में चेंजमेंट मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप आगे जाओगे काम सीखने के लिए, बहुत चेंजमेंट मिलेगा, सारे के सारे इंस्टीट्यूटों में चेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो भाइयों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत सारा प्यार दिया आपने उस वीडियो पे, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत सारा उस वीडियो पे मेरे को समथिंग 700 के लाइक आए, आपने लाइक दिए मेरे को, और ओनली 17 डिसलाइक आए। कोई बात नहीं, देखो ऐसा होता है कि हर जगह पॉजिटिव नहीं होता आदमी, नेगेटिव भी होता, तो मेरे अंदर भी कोई गलतियां हैं, शायद उन भाइयों ने मेरे को डिसलाइक दिया, तो इसी वजह से कोई मेरे को कोई परेशानी नहीं है। और जो वीडियो बनाने का मकसद ये था, जो जहां पहुंचनी थी और जिसको देखना, मतलब जिन जिन भाइयों को देखना था, सबने देखा अच्छा खासा। मैं शायद दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस वर्ड को, पर मैं क्या करूं, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ को लेके। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई हमें मोबाइल का काम सीखना, अब हम किस इंस्टीट्यूट में जाएँ या किस दुकान पे जाएं, दिल्ली जाएं, बम्बई जाएं, हैदराबाद जाएं या कोलकाता जाएं, किधर जाएं? देखो ये तो मैं नहीं बता सकता कि आपको कि भाई दिल्ली जाओ या बम्बई जाओ या कोलकाता जाओ या हैदराबाद जाओ। मैं इसमें थोड़े अपने थॉट्स रखना चाहता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि भाई देखो ऐसा है, जो नया बंदा है, जो फ्रेशर बंदा है, जो बिल्कुल फ्रेश है और वो चाहता कि इस लाइन में आना चाहता हूं, मेरे को काम करना मोबाइल का, तो भाई उसे आँख मीच के किसी लोकल दुकान पर चले जाओ, जैसे मेरी दुकान है, किसी और की दुकान है, किसी भाई और की दुकान है, जिस इलाके में आप रहते हो उस इलाके की किसी दुकान पे जाना आपको, ना कि आप रह रहे हो दिल्ली में और आप जाना चाहते हो कि बॉम्बई की किसी लोकल दुकान पे जाना चाहता हूँ, भाई नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। आपको पता आज की डेट में माहौल भी कैसा, और दूसरी बात किराया, रहना, खाना पीना, वो सारी चीज़ देखनी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जिस इलाके में रहते हो उस लोकल दुकान पे जाओ, 3 या 4 महीने उस दुकान के रंग ढंग देखो, मार्केट देखो कि क्या हाल है कैसा नहीं है, कि काम मेरे को करना नहीं करना। अगर एक दुकान पे अच्छा नहीं लग रहा, किसी दूसरी दुकान पे चले जाओ। और दूसरी बात ये, अगर वो भाई ये बोलता कि मेरे को भाई 1000 रुपये या 500 रुपये महीने के देने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दो आँख मीच के, आपका बेनिफिट है, आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसी जानकारी मिलेंगी कि शायद आप अपनी दुकान खोलोगे तो जब वो आपको फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि कोई भी दुकान वाला आपको पैसे नहीं देगा, स्टार्टिंग में कोई भी पैसे नहीं देगा। हो सकता है कि किसी भाई की अच्छी खासी दुकान चलती है और उसे वर्करों की ज़रूरत होती है, लड़कों की ज़रूरत होती है,
तो वहाँ आपको शायद कुछ पैसे मिल जाए महीने के, कुछ आपका खर्चा पानी मिल जाए, ठीक है। फ्रेशर बंदे के लिए तो ये कहानी है। अब ओल्ड बंदे जैसे मैं हूँ, और भी कोई भाई है मेरा जैसा, या कोई और भी भाई है जिसने दुकान खोल रखी है, वो चार्जिंग जैक गिरता, माइक गिरता, लेकिन उसे MMC IC पे काम करना, CPU पे काम करना, उसे सॉर्टिंग पे काम करना है, उसे हाफ लाइन सॉर्टिंग निकालनी है, बहुत सारे ऐसे फॉल्ट हैं फ़ोन के अंदर कि शायद मैं आपको बता नहीं सकता कि फ़ोन के अंदर क्या क्या फॉल्ट होते हैं। बात ये होती है कि जब कस्टमर फ़ोन लाता ना, किस कंडीशन में फ़ोन को लेकर आता, तो जब पता चलता है कि उस फ़ोन के अंदर क्या फॉल्ट है, और या हम किसी ऐसे सीनियर से या किसी से हम पूछेंगे ना कि भाई इसमें ये परेशानी, कस्टमर इस फ़ोन को डेड लेके आया, क्या करें, कोई नहीं बता सकता इस चीज़ में। हो सकता है कि फ़ोन डेड हुआ बैटरी की वजह से, बैटरी डिस्चार्ज होगी, चार्जिंग पॉइंट खराब हो, आप बैटरी डेड होगी, आप उसे चार्जिंग में लगा रहे हो, वो चार्ज चालू ही नहीं हो रहा, क्योंकि चार्जिंग नहीं होगा तो वो चालू ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बता सकता, नहीं कुछ बता सकता इस चीज़ के बारे में कि भाई डेड फोन में क्या करें, क्या ना करें, क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो जैसे हम, मैंने बताया कि हम जैसे दुकानदारों के लिए अब हमें इंस्टीट्यूट पे जाना, अब इंस्टीट्यूट पे आप अपनी चॉइस से कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आपको जिस चीज़ काम में दिलचस्पी है ना कि भाई मेरे को IC चेंज करनी है, मेरे को IC चेंज पे हाथ करना, तो आप अपनी दुकान पे भी कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी दुकान से नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा अच्छे से, तो आपको इंस्टीट्यूट जाना चाहिए और इंस्टीट्यूट जाके वो काम सीखना चाहिए स्पेशल, ठीक है। IC पे, नेटवर्क सेक्शन पे, लाइट सेक्शन पे और पावर सेक्शन पे, वो सारी नॉलेज मिलेंगी आपको इंस्टीट्यूट से, ना कि किसी लोकल दुकान से, ठीक है। अब लोकल दुकान वाला ज़्यादा बंदा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा वो है, तो वहाँ से भी आपको मिल सकती हैं। ऐसे नहीं कि भाई लोकल बंदा कि भाई ऐसे ही बैठा मार्केट में, नहीं। अब मैं चाहूँ तो अपना इंस्टीट्यूट खोल के बैठ सकता हूँ, जब भाई जिस बंदे को सारी नॉलेज है तो वो क्या इंस्टीट्यूट खोल के नहीं बैठ सकता, क्या वो टीचर नहीं लगा सकता अपने पास, खूब लगा सकता, खूब कर सकता इस चीज़ में, ठीक है। तो मैं उनको राय देना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट जाएं, उनके लिए सबसे बेटर है। दूसरी बात, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी इंस्टीट्यूट भाई देख रहे हों उस वीडियो को, तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि भाई आपने मेरी वीडियो देखी होगी, अब तो शायद नहीं देख पाओगे क्योंकि देख ली होगी आपने, ठीक है। तो थोड़ा अपना रेट डाउन करें, मार्केट के बहुत बुरे हालात हैं, अपना थोड़ा प्राइस कम करें, जो फीस है ना बहुत कम करें। एक दुकानदार के लिए 30,000 और 40,000 बहुत रकम होती है, ठीक है, बहुत पैसे मायने रखता है। अगर वो कोई मेरा जैसा कोई बंदा है और उसे सिर्फ MMC IC या प्रोग्रामिंग पे या कोई फ्लैशिंग पे या सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना ना, उसके लिए ना, सिर्फ उसके लिए 15-20 दिन ही बहुत हैं, उसके लिए बहुत हैं उसके लिए। अगर कोई माइंडेड बंदा होगा ना, जो काम सीखना ही चाहता होगा हकीकत में, या कोई वो होगा रियल में, कहना चाहता हूँ हकीकत में, उसके लिए सिर्फ 15 दिन या 10 दिन में वो एक्सपर्ट हो जाएगा, अगर कोई उसे अच्छे से गाइड करे तो, ठीक है। और 10-15 दिन 20 दिन और एक महीने के लिए भाई 40,000 रुपये ना बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि कितना लेना कितना नहीं लेना, ठीक है। इंस्टीट्यूट आपका और आपके खर्चे, वो तो मैं नहीं कह सकता कि भाई कितने अच्छे हैं कितने नहीं हैं। तो बस ये तो हो गया कि भाई कहाँ जाएं, किस इंस्टीट्यूट में जाएं और किसके लिए इंस्टीट्यूट सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जिस भाइयों ने मेरी वीडियो देखी और लाइक किया मेरे को, चैनल को सब्सक्राइब किया उन्होंने। और देखो ऐसा है कि मैं एक छोटा सा एडवाइज़र हूँ, कोई मैं ये नहीं कि भाई ये किसी के प्रति बना रहा हूँ ये वीडियो या कुछ बना रहा हूँ, मेरे मन में था वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, और ये जो हकीकत की कहानी थी, ये ऐसे नहीं कि भाई कैसे ये हवा में तीर चल रहा, नहीं, हकीकत की कहानी थी ये। क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट वालों की बहुत ज़्यादा मोटी रकम बनती है, और अगर वो 30-40 बंदों का बैच भी करते हैं ना, अगर आप पैसे जोड़ोगे ना कितने बनते हैं, और सिर्फ 2 महीने 1 महीने के ना, बहुत ज़्यादा, शायद वो इतना पैसे वैसे नहीं कमा पाएगा, इतना पैसे ऐसे कमा लेगा वो, ठीक है। मेरे कुछ थॉट्स से वो मैंने आपके सामने रखे और आपको बताया समझाया कि किस इंस्टीट्यूट में आपको जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बता दी कि भाई आप कहीं भी जाओ, दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, हैदराबाद जाओ या कोलकाता जाओ, उनके लिए इंस्टीट्यूट है जो ओल्ड है,
जो काम करना चाहते हैं उनको सिर्फ वो सारी नॉलेज 10 दिन 15 दिन में मिल जाएगी, और 10 15 दिन 20 दिन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं। इस चीज़ का सुधार करें भैया, सभी से रिक्वेस्ट है। ये कुछ मैंने रिक्वेस्ट लिख रखी थी क्योंकि मैं कहीं बाहर था और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला आपका। आज की वीडियो में यही बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अच्छा लगता, अगर नहीं लगता तो मत करो, आपकी मर्ज़ी। जय हिंद, वंदे मातरम।